ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या, जो आपका जो गाइस दो पोज में जो फोटो होगा गाइस, पहले आप सभी को उसको ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, पिक्सआर्ट में अपने। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर जो आपका दूसरा शूट जो होगा, दूसरा फोटो जो आपने क्लिक किया हुआ है, आपको सिर्फ उसको यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को उसको मिलाना है कि मतलब कि आपको जो अपना दूसरा मॉडल है उसको आपको कहाँ रखना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से जो मेरा पीछे की जो पहले वाला जो मॉडल था, मैं उससे अपने इस सेकेंड वाले मॉडल को मैच करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करूँगा कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे मैं इसको लगाने के इस तरीके से लगाऊंगा। एंड जो गाइस, आपको अपना मॉडल जो है कुछ इस तरीके से लगाना है, यानी कि जो मतलब कि इसकी शेडो जो मतलब नेचुरल शेडो जो होगी वो आपके कपड़ों पर मैच करनी चाहिए, कुछ इस टाइप से आप सभी को मॉडल को ऐड करना है, ठीक है गाइस। तो इतना आप सभी को समझ आ गया होगा गाइस। तो अब आप सभी को मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अब इसको मैं इरेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इरेजर टूल में जाके। एंड देखिए गाइस, इरेज आप सभी को पहले कैसे करना है, पहले तो आप सभी को नीचे से एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना इरेज कर देना, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में जो है हम यहाँ पे जो मतलब एक्स्ट्रा इरेज हो जाएगा उसको हम ऐसे कुछ इस टाइप से पेंट करके वापस ले आएंगे, है ना गाइस। तो आप सभी को जिस टाइप से करना है, ओके। सो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कि साइड में भी रह रहा है तो मैं इनको भी इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमने यहाँ पे इरेज कर लिया। तो गाइस देखिए, मैं आपको ओपेसिटी कम और ऑफ करके दिखा दूँ, देखिए गाइस कितना अच्छा फर्क आया, एंड एकदम नेचुरल एकदम रियलिस्टिक से लुक आया इसमें, है ना। तो गाइस, आप सभी को कुछ इस टाइप से कर लेना है, एंड उसके बाद हम यहाँ पे डन कर लेंगे। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में, एंड आप सभी को एक पीएनजी दे दूंगा मैं गाइस, ठीक है। तो उस पीएनजी को आपको यहाँ पे ऐड करना है, एंड इस पीएनजी को कुछ इस टाइप से ऐड करना, मतलब यानी कि आपको ऐसे ला के एंड फुल स्क्रीन कर देना, कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। एंड गाइस देखिए कितना अच्छा लुक आया इस पीएनजी की वजह से हमारी फोटो में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब इस फोटो को जो है हम सिंपली कर लेंगे सेव, एंड इसको हम ओपन करेंगे अपने लाइट रूम ऐप के अंदर। तो क्योंकि रियलिस्टिक कलर ग्रेडिंग करनी है हमें, तो यार वहीं पे पता चलेगा ना असली रिजल्ट। तो उसके बाद गाइस, आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लाइट रूम में ओपन करने के बाद आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को आपको थोड़ा कम कर देना है, शेडो जो है जिसको इंक्रीज कर देना है, और वाइट को इंक्रीज कर देना है, ब्लैक को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जाना है कलर्स मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है, इसके सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है, लूमिनस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस, जाना है येलो कलर में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना ग्रीन कलर में, इसका सैचुरेशन भी माइनस कर देना है। एंड जाना ब्लू कलर में, इसका ह्यू माइनस करना है, एंड सेकंड ब्लू में जाना है इसका ह्यू थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सबको फिर इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है, एंड उसको डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है, फोटो में विग्नेट जरूर डालना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको नीचे ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस, जो नॉइज रिडक्शन आप सबको उसको बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोड रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस, उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको जाना है सेलेक्टिव टूल में, ठीक है, एंड प्लस के आइकन पर क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आप सबको जिस टाइप से प्रेस करके ऊपर तरफ लाना है, एंड उसके बाद जो इसका एक्सपोजर यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। तो गाइस, जितना कर देने के बाद देखिए गाइस, फाइनली हमारी फोटो का रिजल्ट है आप सभी के सामने है। तो गाइस, आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और यार चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस, वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना, ताकि यार हमारे भी दो तीन चार सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। तो प्लीज़ अच्छा वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।